अभी बस खाना वाना खा लिया और आज है तो आज है फीबी का बाथिंग डे। तो यही फीबी है, इसको दो 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 पट्टे लगा के इतना लंबा करना पड़ता है ताकि मैडम जी आराम से नहा के यहाँ पे घास में अपने को सुखा ले। ये देखो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है नहाना। अगर इसको बोलोगे ना फीबी चल नहाने चल तो समझ जाती है। ये देखो बिल्कुल नहाना पसंद नहीं है इसको, बहुत सारे डॉग्स को पसंद होता है। ये देखो कैसे भाग रही है फीबी, इतने मज़े से खुले में आराम से नहाने को मिल रहा है। फीबी को नहाने के बाद धूप में बैठ कर अपने आप को सुखाना बहुत पसंद है। ये यहाँ पर बैठ कर अपने आप को सुखाती है और हमेशा जबरदस्ती अंदर भी लेके जाते हैं ना तब भी नहीं जाती, आराम से धूप में बैठती है। अभी पहन लिया निखिल ने ग्लव्स है ना। अरे आराम से भैया आराम से ग्लव्स पहन लिए। हेलो मैडम, हेलो फीबी मैडम, हेलो। आराम से कितनी मसाज हो के नहा रही है। हाँ फीबी का स्पा डे आज। शैम्पू दिखाऊं कौन सा शैम्पू है फीबी का? तो जी फीबी का ये टिक फ्री पीएच बैलेंस्ड एंटी टिक डॉग शैम्पू है। नहाने से पहले उसको कॉम करिए और अब आराम से वो नहा रही है। फीबी अभी पीछे पार्क में नहीं, पीछे बैक गार्डन में निखिल ने पानी डाला था तो सब मिट्टी में खेल के आई थी। भेल भी साफ करो इसकी, भेल भेल भी साफ करो। ये देखिए आई 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 आई। और ये फीबी का नहाना स्टार्ट। पानी से पानी ठंडा हो रहा है गर्म? नहीं नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल है। धूप हो रही थी। ये इसको मजा नहीं आता ना पानी में, खेलती नहीं है ये, वरना तो कितना अच्छा था इसके लिए यहाँ पे खेलने के लिए। मुंह भी धो दो इसका। ये देखो मुंह ही हटा दे रही है ये। है फीबी अच्छे से नहाओ, फिर मिट्टी में खेलती है, फिर ऊपर कालीन में बैठती है, सारी कालीन गंदी करती है। बंद कर दो, हो गया। हो गया हो गया ना। ये टॉवल ला दो इसका। कहाँ पर रखा है देखना पड़ेगा, याद नहीं है, पीछे ही होगा जहाँ तक है। टॉवल देख के आती हूँ जब आ जाओ। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने फीबी को नहलाया और धूप में सुखाया और उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आके रेस्ट कर रहे आए हैं। तो फीबी मैडम धीरे धीरे चल के ऊपर आई और ऊपर चल के आने के बाद कालीन है ये यहाँ बिछी रहती है और फीबी इसी में आके लेटती है, वो उसी कालीन में ही आके लेटती है। और फीबी की एक आदत है कि फीबी ना डायरेक्ट जमीन में नहीं लेटती है, मतलब बहुत ही रेयरली लेटेगी, अदरवाइज उसको कुछ ना कुछ चाहिए लेटने के लिए। तो अभी वो अंदर आई और वो मतलब ऐसे ऐसे बोलने की कोशिश कर रही थी कि मैट का है मैट बिछाओ, तो मैंने नहीं बिछाई। तो अभी वो रूम के बाहर चली गई, रूम के बाहर जाके देखो कहाँ पे बैठी हुई है। और अभी मुझे घूर रही थी फीबी, हेलो। अभी ये गुस्सा हो गई है कि मैंने इसके लिए मैट नहीं बिछाई है। हेलो देख मैं, जरा देख भी नहीं रही फीबी। छोटू फीबी देखो निखिल से आवाज दी मैट के लिए, तो देखो इसे कान कैसे खड़े हो रहे। जैसे निखिल ने हमें मैट बिछाइए तो मैडम के कान देखो, ये देखो ये चल दी मैडम मैट पे सोने के लिए। हाँ यही बता रही थी मैं कि इसको इसको मैट के बिना नींद ही नहीं आती है। देखो हेलो हेलो मैडम, ऐसे मैट बिछाइए, इसकी खुशी देखो, खुशी देखें जरा इसकी, इसकी खुशी देखो जरा, खुशी ये खुशी देखो जरा, इसकी खुशी ये मैट बिछती इसकी खुशी देखो जरा। अच्छा ये देख, कोई ऐसा डॉग देखा है जो मैट देख के इतना खुश होता है? मैट देख के हमारा डॉग ऐसा है जो मैट देख के खुश होता है। हाँ ये बच्ची, ये छोटी बच्ची हमारी है ना,